कला के प्रेमी भाई माताओं के मानों से हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ शुभ आशीर्वाद की मनोकामनाएं भी करता हूं। करता हूं मैं प्रणाम, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अगर किसी भी चीज से कोई गलती हो तो बच्चा समझ कर माफ कीजिए। की कंपनी का बहुत सारा आनंद लीजिए। ना जाने कब दीदार होंगे हम दोस्तों, जिंदगी का क्या भरोसा, आप यहाँ ना जाने कल कहाँ से होंगे हम। प्रताप क्या बताओ, एक हमारा मेज है जिसका नाम प्रताप है, लेकिन जब देखो प्रताप बाहर रहता है, मैं थोड़ी देर बैठ कर प्रताप का इंतजार कर लेता हूँ उसके बाद। छूटे हरे चला गए प्रधान जी, बहुत बड़ी घटना घट गई। बहुत बड़ी घटना घट गई, घट गए प्रधान जी। पहुंचे तो मेहरारू देखे रोवत रहे फूल फूल, हम कहे का भाजे, कहे रोवत यहाँ भकार छोड़ के, भकार भकार छोड़ के। प्रधान जी बैठक बताई, प्रधान जी कल मेहरारू रोवत रही, मैं लाल हमहू रोवे लगे। अब केहू के मेहरारू रोए तो मन से भूआ उसकी जवन पथरे भी दूध जमा ले नहीं आसुद गिन जाई। मेहरारू इतना भोली होगी अपना दिल का कठोर होती। आओ भैया राजेश भाई, प्रधान जी सुना मेहरारू पूछे कहा कि यहाँ है फराने में पापा ससुरारी में चार चार जने मर गए हैं। ससुराल में चार चार जाने चली गई। मैं जानना चाहता हूँ ये चार जाने किसकी किसकी है। तीसरी जान किसकी
गए हैं। तीसरी जान बताओ कहीं पर हाल बैठे पर राम जी चौथी बतावत ही मेरी पत्नी का नाम है
मेरे भतीजे का नाम पवन कुमार है और कुमार इसमें इंटरनेट पढ़ाई कर रहा है और मेरी एक बहन है जिसका नाम राजकवि है। हम लोग भाग मिलकर अपनी राजकवि की सिलाई जिला गोरखपुर के गांव में जिला गोरखपुर में एक गंगा तो बांध है ये तो एक बहुत बड़े स्वच्छ विधान है यहाँ की हम लोग किया है। मेरी बहन अपनी ससुराल में बहुत खुशहाल है चाहते करी की लेकिन प्रताप तुम तो अच्छी तरीके जानते हो पिताजी के जमाने में हम लोग क्या थे यार मेरे पिताजी के नाम केवल 10 विश्व जरूरी थी बेटा लेकिन बता पिताजी के मर जाने के बाद जब मैं प्रधानी जीता आप 5 पंच जैसी प्रधानी में मैं अपने नाम बहुत कुछ बनवा लिया क्यों पता 10 बीघा जमीन बनाया मुझे अरे हमारी साथ हमारी ऊपर वाला मुझे हर चीज से सब बन गया है पता Thank you.